आज दिनांक 16 जुलाई 2024 को राज्य के अंतरकालीय द्वारी पैनो पौड़ी गढ़वा डिकनीखाल में हरेला दिवस के अंतर्गत विभिन्न पौधों का रोपाई किया जाएगा, जिसमें कि हमारे पास मुख्य रूप से बेल हो गया, बड़ हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, दालचीनी हो गया और बड़ी इलायची हो गया। उसके साथ अन्य कई पौधे हमने आज ला रखे, तो आज हम ये करके 20-30 पौधे विद्यालय में क्या आसपास लगाएंगे, निश्चित तौर से बचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने आज से 12-14 साल पहले जितने पेड़ लगाए लगभग सब जीवित हैं, तो इनको भी हम उपयुक्त जगह में लगाएंगे राजकीय अंतरकालीय द्वारी पैनो को आस पास। तो मेरा सभी से संदेश है कि हम पेड़ तभी लगाएं जब वनों को आग लगाने वाले से बचाएं, क्योंकि प्रतिवर्ष वनों में अप्रैल से मार्च लास्ट से आग लगना शुरू, जिससे कि लाखों जीव जंतु पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पेड़ पौधे तभी लगाएं, वृक्षारोपण तभी करें जब हम जंगलों को आग लगाने वाले से बचाएं, तभी जाके हमारा ये संकल्प पूरा हो सकता है। तो निश्चित तौर से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरे आसपास में प्रतिवर्ष आग लगाने वालों से बचाने की कोशिश करता हूं जब मैं यहां पे निश्चित तौर से रहता हूं। मेरे पीठ पीछे कई बार लगा देते हैं लेकिन फिर भी बुझाने की कोशिश करता हूं। मेरे कारण पूरे उत्तराखंड में प्रतिवर्ष जंगलों में आग लगता है, बहुत से जीव जंतु पक्षियां जलकर नष्ट हो जाता है। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने उत्तराखंड के जंगलों को आग लगाने वालों से बचाएं और उन्हें सुरक्षित रखें। तो आप सभी को यह संदेश, मैं शिक्षक दिनेश चंद्रवर्ती राज के अंतरकालीय द्वारी पैनो से विगत 18 वर्षों से वृक्षारोपण का काम कर रहा हूं, तो निश्चित तौर से आपको मेरी तरफ से यह संदेश है कि आप पेड़ तभी लगाएं जब जंगलों को हम बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो निश्चित तौर से हमने ये पेड़ लगाया था, आप देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का, ये इसमें अमरूद लगे हैं और यहाँ पे ये अनार का है। अरे दूसरा कहाँ गया? ये देखो निश्चित तौर से इसमें अनार है, खाली मिल गया, लग गया सर। आप ये देख सकते हैं कि इसमें अमरूद हो गया और ये आम में भी लग रहे हैं लेकिन झड़ गए थे। ये कितने साल पुराना है सर? ये सर ये लगा इसको हो गया सर 4 साल। 4 साल है? हाँ जी, 4 साल का पेड़ है ये। 2019 में लगे थे ना, 21 में हाँ 20 में लगे थे हमने। तो हाँ तो यहाँ तो हमारे यहाँ अध्यापक श्री रावत जी, भगत सिंह रावत जी, ये कह सकते हैं आंवला में भी देख सकते हैं, इसमें भी लगे और ये आम में भी आम लगे लेकिन अब निकल गए हैं। इसमें बहुत ज्यादा अमरूद लगते हैं, इस तरह से बेल का पेड़ भी, कई पेड़ इसमें आप देख सकते हैं। और इधर कुछ बड़ो लकड़ी है, ये केले हो गए, वहाँ फिरकी भी आ रखी है उधर, केले तो बहुत आते हैं गुरु जी। हाँ और ये यहाँ पे गुरुजी लगे हुए हैं, मैं दलो सर जी पूरा खड्डा अपने आप कर रखा है। दूसरा 4 गड्ढे तो हो गए ना। अच्छा ये कपूर का पेड़ है। हाँ। अच्छा वो वाला पीपल हो गया, पीपल हो गया, ये वाला बड़का, ये बड़का हो गया, सफेद फूल लगते हैं, बहुत बड़ा पेड़ है। अच्छा अच्छा ये वाला नीम का हो गया। ये सर ये बेल का? अच्छा और ये उसका माप होता है, ये वाला ये किस चीज का? इलायची। अच्छा ये इलायची है। अच्छा अच्छा आपके भी तो बगीचे हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे यहाँ पे बालक हैं, ये स्कूल के हैं और स्कूल के ग्राउंड में ही खेलते रहते हैं, नजदीक पे ही इनका घर है। तो ये भी पहुँच गए गुरुजी के साथ। तो बेटा यहाँ पे इधर खड़ा करो बेटा यहाँ पे। अच्छा कौन सा पेड़ लगाओगे यहाँ पे? नीम का पेड़ लगाओगे? शाबाश। अरे छोटे छोटे यहाँ पे बालिका भी है। यहाँ पे अमरूद का एक पौधा था पिछले साल लगाया शायद, ये अब काफी बड़ा हो गया। तो ये बच्चे सफाई कर रहे हैं यहाँ पे चारों ओर। अमरुद आ गए बेटे इसपे? हाँ देखो कितना छोटा है अभी यार, अभी से अमरुद आने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत बढ़िया अच्छे समझदार बालिकाएं हैं। अच्छा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। और ये सब जो बच्चे हैं स्कूल के नजदीक ही इनका घर है और स्कूल में अपना योगदान देते रहते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे जो पौधे थे अब वो बड़े बन गए हैं, अब इन्होंने पेड़ का रूप ले लिया है, फल भी देने लग गए हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पूरी जो जमीन थी यहाँ पे, हम इस जमीन को देख चुके थे पहले जब हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, तो ये पूरी बंजर थी, यहाँ पे पथरीली जमीन थी। तो अब काफी अच्छा लग रहा है। ये आंवला का पेड़ देखो कितना बड़ा हो गया है और यहाँ पे ये नींबू का है, उधर अमरूद के हैं, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं।
और काफ़ी मेहनत करते रहते हैं, गुरुजी आते रहते हैं यहाँ पे। यार गुरुजी ने इस वाटिका का नाम क्या रखा है गुरुजी? भगत सिंह वाटिका सर। अच्छा जी, तो हमारे जो गुरुजी थे भगत सिंह गुरुजी, तो उनके स्मृति में इस जगह का नाम गुरुजी ने भगत सिंह वाटिका इस जगह को दी है, ये नाम दिया है यहाँ पे। यह पेड़ जो है बड़ी इलायची का है, बड़ी इलायची इतनी और बड़ी ये इलायची का मुख्य विद्यालय में बहुत से औषधीय पेड़ पौधे राजकीय द्वारी पैनों में लगाए गए हैं। तो ये बड़ी इलायची लेके ताकि हमारे बच्चे भी इसको घर में लगाएं, इस साल विद्यालय वृक्ष उपचार में भी दिया जाएगा और इसको रोजगार से भी जोड़े। तो मैं राजकीय द्वारी पैनों से आज 16 जुलाई 2024 पर्यटन दिवस में वृक्षारोपण करते हैं शिक्षा दिनेश चंद्र कुकरेती, और मेरे साथ हैं सर श्री आर डी मेंदोला, श्री भारती जी, श्री हमारे रविंद्र गुसाई जी और श्री अनिल कोहली जी। तो मैं इन सभी अध्यापकों को बधाई देता हूँ कि हमेशा ये वृक्षारोपण में और विद्यालय में हमेशा जुटे रहते हैं, बल्कि कल भी हम वृक्षारोपण करेंगे। कल है हमारे यहाँ मुहर्रम, 17 तारीख की छुट्टी है, आज 16 तारीख है। तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी घर से आ रखे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है कि कुकरेती जी इन वृक्षों को कोटद्वार से लेके आए हैं, न तो बस चल रही है, यातायात की बड़ी समस्या हो रखी है, कोटद्वार बीच में तो रोड टूट रही है, लेकिन तब भी उपलब्ध करा दे, गाड़ी ऊपर से भी रोड टूटी है, सामान रखना पड़ता है, धन्यवाद कुकरेती जी आपके लिए, आपका जुनून है जो। अरे नहीं, ज्यादा दब रहा है ना, इतनी हाइट होनी चाहिए कम से कम। तो पेड़ से निश्चित तौर से पॉलिथीन हटा देना चाहिए, जो जरा थोड़ा थोड़ा उठाओ जरा, गुरुजी लगा दे ना, इसको हैंडल जरा स्मार्ट होने दो, गुरुजी आप कर दीजिए, बस आगे इधर कर दो, इसको किनारा करो, हां ये तो हेड में रहो, तो जल्दी ना ना घूमो, जान दे ना ना, पत्थर के गाले पत्थर छोटे छोटे छोटे, चलो रुको रुको, अब ठीक, अब डाउन जा रहा है ना, ठीक है ठीक है, रविंद्र के भी वो है बगीचा है, हमको भी जानकारी इसके बारे में, पानी भी पीछे खड़ा होता है तो जानकारी दिया था, डाल लगा एक बार पेड़ को इस तरीके से, एक साइड उठा करके, एक साइड हो करके इसका इधर उठा के ना बबुली कपूर निश्चित तौर से एक औषधि पादप है, इसके पत्ते भी कीटनाशक का काम आता है, हम घर के आस पास ज्यादा होगा तो अगर बाय चांस हमने मच्छर भगाने हैं तो इसके पत्ते को हम जला दें कमरे के अंदर, और इससे जैसे हम धूप धाप भी बना सकते हैं इसके पत्ते का, इस तरह से बहुत सा प्रयोग इसका होता है, इसके पत्ते का हो गया, रस का हो गया, हम कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके पत्ते के रस से हम अपने सब्जियों में इधर उधर छिड़काव भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ पास इसमें 5-6 बेल का पेड़ है, तो निश्चित और भी होंगे, ये औषधीय पादप है, पेड़ है कह सकते हैं औषध का, ये औषधीय का बहुत काम आता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत से बीमारियों को दूर करता है, इसके पत्ते हो गया और फल हो गया। तो जय हो भोले महाराज, ये शिव जी का पेड़ है, तिरम कम व्यजा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धन हम रोहार बंदनाथ मृतोर मुक्ति अमामृता, ठीक है, तिरगुणम तिरगुणाकारम, ये भी औषधीय पादप है, जितने औषधीय औषधीय पेड़ है ये कह सकते हैं हम पेड़, तो औषधीय पेड़ आज लगाया जा रहा है, तो ये ये जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं यहाँ पे, देखो कितने उत्सुक हैं यहाँ पे है, अच्छा लग रहा है बेटा आप लोगों को, है ना, और पेड़ों के बारे में भी जानकारी मिल रही होगी, आप लोगों ने कपूर का पेड़ पहली बार देखा और अब नीम की पहचान भी हो गई, बड़ का हो गया, पीपल का हो गया, है ना, और अमरुद ये तो आप लोग जानते हो कि हमारे जो लोकेलिटी है इसमें पाए जाते हैं, है ना, तो काफी अच्छी बात है, और बच्चे भी काफी उत्सुक है, काफी खुश नजर आ रहे हैं, बेटा आप खुश नहीं हो, गुरुदीन के लिए ठंडा की व्यवस्था इसके बाद है, सर जी मौसम इतना बढ़िया हो रखा है द्वारे में, जी गुरुजी क्या बताएं, मतलब जो लोग का हाँ मौसम सुहाना एकदम मजा आ रहा है इसमें, द्वारे का मौसम धूप भी लगी थी, हल्के बादल भी आ गए, आसमान क्लियर है, ना बारिश की संभावना तो लग नहीं रही अभी, है ना, इस मौसम के आज अलर्ट भी कर रखा है, अलर्ट तो है, मौसम काफी अच्छा है, मतलब इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, शायद ऐसा लग रहा है कि शायद मौसम का वो बन रहा, शाम को शाम तक होगा, अभी तो बहुत बढ़िया मौसम है,
मेहंदी से घर की याद आ गई थी, मेहंदी लगाऊंगे सजना के नाम पर सावन में सावन में। कुकरे जिद घर वाले बोलते तो बच्चे बोलते कि डिब्बे वाले कहाँ से आ गए, डिब्बे वाले गोरिया। ये फूल का पेड़ है, व्हाइट सफेद रंग का, बहुत बड़ा होता है ये। ये कह सकते अमरूद के पेड़ के बराबर होगा ये, आम के जैसे पत्ते हैं इसके। जब पेड़ बनेगा गुरुजी ये तो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा पर कच्चा होता है सर पे। हाँ सफेद फूल बहुत लगेंगे इसमें, तो हरियाली छाई रहेगी पूरा लगभग सारा। ये कह सकते हैं वर्ष भर ये फूल देता है सफेद, तो विद्यालय में कई बार फूल की आवश्यकता होती है तो उसका फूल से बनाएंगे। जैसे हम अपने राष्ट्र के पर्व मनाते हैं तो उस दौरान भी फूल की आवश्यकता पड़ती है। तो पेड़ है ये पीपल का पेड़ है, निश्चित तौर से पीपल का पेड़ की आयु बहुत ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ देता है। यानी कि अगर हम पीपल को ऑक्सीजन देने वाला पृथ्वी में जो पेड़ माना गया 100 में से 100 दिया गया अंक, तो ये समझो कि इस क्षेत्र में रहेगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन देगा, शुद्ध वातावरण करेगा, दूसरा पीपल का जो पत्ते हो गया या इसका दूध हो गया, ये दोनों औषधि का काम करता है। इसका जो पत्ता है, कुंगले पत्ते जो होते हैं हल्के, ये पेट संबंधी रोग भी करता है, हार्ड, ये कह सकते हैं किडनी, किडनी का शोधन अगर कोई करता है तो पीपल का पत्ता ही करता है। ऐसे इस तरह से कई रोगों का निदान करता है। तो हमारे जो बच्चे हैं तो निश्चित तौर से हम अपने बच्चों को भी यह शिक्षा देते हैं कि कौन सा पेड़ क्या काम हमारा आता है जीवन में, हम उस पेड़ को भी निश्चित तौर से उसकी रक्षा करें, घर में लगाएं। गुरु जी ऐतिहासिक पेड़ है ठीक है, पीपल का। कुकरे जी बहुत मेहनत सलाह रखा, एक तो बड़ा हो गया पीछे गुरु जी को अनुभव का पियर, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लाते हैं गुरु जी, फलदार भी लाते हैं और जो फलदार नहीं रहते वो बहुत अच्छे से, पीपल हो गया, बड़ हो गया, नीम हो गया, बहुत अच्छे पेड़ है। 540 से ऊपर ज्यादा उम्र है देखो, है ना, एक इतिहास है पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है पीपल नीम। सही बात, इसमें अरे एक डंडा पिलाओ। आज दिनांक 16/7/24 को हमारे स्कूल जो जियासी द्वारी में है, काफी खूबसूरत तरीके से जो हरेला त्योहार है उसे मनाया गया। ये जो बच्चे हैं इन्होंने काफी अच्छा इनका योगदान रहा, काफी नजदीक के हैं स्कूल के, अगल बगल इनके घर हैं, तो बच्चे यहाँ पे पहुँच गए, खेलने के लिए पहुँचे हुए थे यहाँ पे ग्राउंड पे, तो काफी अच्छा लगा। सर यहाँ पे जो पीपल का जो अभी पेड़ लगाया है उसको यहाँ पे सही तरीके से उसे खड़ा कर रहे हैं यहाँ पे बांध के, जैसे वो टूटे ना, टूटे ना। तो ऐतिहासिक पेड़ है, ऐतिहासिक पेड़ है। और सर ने पहले भी जानकारी दी इसके बारे में कि इसकी जो आयु होती है 200 साल से ऊपर होती है। जी 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 सर, बिल्कुल सर, हाँ जी सर, हाँ ये बहुत बढ़िया है सर। हाँ सर, और इधर इधर ये बालिकाएं भी है, बालिकाओं ने काफी अच्छा काम किया और हमारे गुरुजी हैं कुकरेती गुरुजी, जिनके सौजन्य से जो एक पूरा जो कार्य है काफी सफल रहा। आज का हरेला जो त्योहार है काफी अच्छे से मनाया गया, गुरुजी ने काफी जानकारी भी हम लोगों को दी नए नए पेड़ों के बारे में। और अभी गुरुजी यहाँ पे जो झाड़ी है उसे काट रहे हैं,